इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप गूगल मीट यूज कर सकते हो, गूगल मीट में कैसे आप मीटिंग क्रिएट कर सकते हो, मीटिंग को कैसे आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और यहाँ पे मैंने एक और मोबाइल रखा है जिसमें कि मीटिंग को कैसे ज्वाइन किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो में बताए गए सारे स्टेप्स आपको अच्छे से फॉलो करना है बिना किसी स्टेप को स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल मीट ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली आपको अपने फोन के प्ले स्टोर में आकर सर्च वाले ऑप्शन में गूगल मीट लिखकर सर्च करना है। देन उसके बाद अपने फोन में गूगल मीट को इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ मैं दूसरे वाले फोन में भी गूगल मीट को इंस्टॉल कर लेता हूँ। गूगल मीट इंस्टॉल होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पे टैप करना है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी सेलेक्ट करके गूगल मीट में लॉगिन कर लेना है आपको। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करना है। सारे परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद गूगल मीट का कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा जिसमें कि यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, न्यू मीटिंग ज्वाइन विथ ए कोड, मतलब अगर आपके पास कोई मीटिंग लिंक आता है या फिर आपके पास कोई कोड आता है, पासकोड आता है, तो यहाँ पे आप ज्वाइन विथ ए कोड पे टैप करके यहाँ पे आप मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो। या अगर आप खुद मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, मीटिंग को क्रिएट करना चाहते हो, तो सिंपली यहाँ पर आपको न्यू मीटिंग वाले ऑप्शन पे टैप करना है। फिर उसके बाद न्यू मीटिंग को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है गेट ए मीटिंग लिंक टू शेयर। यहाँ से आप अपने मीटिंग लिंक को शेयर कर सकते हो और बाद में आप मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे मीटिंग को शेड्यूल करने का ऑप्शन होता है, शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर, मतलब अगर आप अपनी मीटिंग को शेड्यूल करके ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर पे टैप करके डेट एंड टाइमिंग को आप सेट करके ऑर्गेनाइज कर सकते हो मीटिंग को। अब अगर आप मीटिंग को इंस्टेंट क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर आपको स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग पे टैप करना है। अब आपका जो मीटिंग होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे आप अपनी मीटिंग को शेयर कर सकते हो, जैसे कि आप इस लिंक को कॉपी करके आप अपने व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप शेयर कर सकते हो अपने ग्रुप में, या फिर आप डायरेक्टली इनवाइट कर सकते हो शेयर इनवाइट पे टैप करके। यहाँ से आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी शेयर कर सकते हो अपने ग्रुप में। तो जैसे कि मैं इस लिंक को शेयर कर देता हूँ, अब जो वो स्टूडेंट होगा सिंपली उस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करेगा और यहाँ मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए आस्क टू ज्वाइन पे टैप करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एडमिट पे टैप करके परमिशन अलाउ कर देना है। उसके बाद अब मीटिंग को ज्वाइन कर लेगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो मीटिंग होस्टर होगा वो अपने वीडियो को यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और यहाँ से अपने ऑडियो को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। और फिर अगर यहाँ पे आप थ्री डॉटेड पे टैप करोगे फिर यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि इन कॉल मैसेजेस, मतलब आप कॉलिंग के टाइम में भी मैसेजेस कर सकते हो। और आप चाहते हो कैप्शन भी इनेबल हो तो यहाँ से सिंपली आप कैप्शन को भी इनेबल कर सकते हो। फिर अगर यहाँ पे आप अपना स्क्रीन को शेयर करना चाहते हो अपने स्टूडेंट के साथ तो सिंपली यहाँ पर आपको शेयर स्क्रीन वाले ऑप्शन पर टैप करना है, स्टार्ट शेयरिंग वाले ऑप्शन पर टैप करना है, स्टार्ट नाउ वाले ऑप्शन पर टैप करना है। तो अब आपका जो भी एक्टिविटी होगा आपके फोन के स्क्रीन में वो सारा एक्टिविटी आपके स्टूडेंट भी देख सकेंगे। यहाँ आप अपने स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन करा के आप कुछ समझा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन शेयरिंग में टीचर जो भी एक्टिविटी करेगा वो स्टूडेंट देखकर अच्छे से फॉलो कर सकता है और अच्छे से समझ सकता है। उसके बाद स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको स्टॉप शेयरिंग वाले ऑप्शन पर टैप करना है, फिर आपका स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में गूगल मीट को यूज़ करते टाइम कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ से भी आप रिपोर्ट कर सकते हो, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे टैप करके। और इसके अलावा यहाँ पे आपको सेटिंग्स में यहाँ पे भी आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन होता है और लैंग्वेज को यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो कैप्शन में। अब उसके बाद यहाँ पे मीटिंग के टाइम स्टूडेंट क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी स्टूडेंट अपने वीडियो को ऑन ऑफ कर सकता है, अपने ऑडियो को भी म्यूट अनम्यूट कर सकता है, और सेम एक्टिविटी यहाँ पे स्टूडेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि इन कॉल मैसेजेस, स्क्रीन शेयरिंग, कैप्शन को इनेबल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अपना एक्टिविटी प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहता है टीचर के साथ तो सिंपली यहाँ पे शेयर स्क्रीन वाले ऑप्शन पे टैप करके अपने स्क्रीन को शेयर कर सकता है टीचर के साथ। और अगर यहाँ पे स्टूडेंट को मीटिंग को एंड करना है तो सिंपली यहाँ पर आपको एंड वाले ऑप्शन पे टैप करना है। और अगर टीचर को मीटिंग एंड करना है तो सिंपली यहाँ पर टैप करके टीचर मीटिंग को एंड कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ, यहाँ पे ज्वाइन विथ ए कोड में आप कैसे मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई मीटिंग लिंक आता है तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो VTP-SMDC-YPU, तो इस कोड को आपको सिंपली ज्वाइन विथ ए कोड में फिल करना है मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। जो लेटर जैसे है आपको सेम टू सेम फिल करना है, सिंपली यहाँ पर आपको ज्वाइन वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। उसके बाद मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए आस्क टू ज्वाइन पर टैप करना है। और यहाँ पे जो मीटिंग होस्टर होगा, जिसने मीटिंग क्रिएट किया होगा, इसके सामने एक परमिशन आएगा जिसमें कि आपको एडमिट कर देना है। तो इस तरह से आप कोड के थ्रू मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो में मैंने जो भी बताया गूगल मीट में मीटिंग को कैसे ज्वाइन करते हैं, कैसे मीटिंग क्रिएट करते हैं, वो सारे स्टेप्स आपको समझ में आ गया होगा। या फिर आपको वीडियो में कोई स्टेप समझ में नहीं आया और गूगल मीट को यूज़ करने में कोई दिक्कतें आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो के अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।